हम लोग को ये मालूम है कि जो सीरीज एनसीआर परिपथ है उसको हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया है, और उस सीरीज एनसीआर परिपथ में जो हमारी अधिकतम धारा रहती है आई एम, उसको आपने क्या लिखा हुआ है, या आई नॉट, इसको आपने लिखा होगा वी नॉट बाय जेड, और जहां पर जेड बराबर कितना था, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वेयर, पाई बराबर टैन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, प्रत्यावर्ती विभव, और जिसके कारण उस पर धारा बह रही है आई, ठीक है। तो इसका जो शक्ति गुणांक होगा पी, पी बराबर क्या होगा, वी इंटू आई, जहां पर v का मान जो है वो क्या लिखते हैं हम, v नॉट साइन ओमेगा t, तथा i का मान हम क्या लिखते हैं, i नॉट इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाइव। मतलब यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि ये जो धारा है इस विभव से फाइव कालांतर से आगे है, ठीक है। यस सर, ये जो धारा है ये इस लगाए गए प्रत्यावर्ती वोल्टता से फाई कालांतर से आगे चल रहा है, अग्रगामी है। अब ये दोनों मानों को आप उठाकर यहां पर रख दीजिए तो आपको शक्ति क्या मिलेगी, देखिए वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू आई की जगह आप क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सही है। अब यहां से आप क्या करिएगा, वी नॉट आई नॉट अलग कर लीजिए, इसको लिखिए साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम क्या करते हैं इसमें दो का गुणा, दो का भाग, और दो का भाग कर सकते हैं ऐसा। यस यस सर, ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा, ये क्या हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी, ए का मान लीजिएगा इसको और बी का मान लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अभी हमने इसको आगे क्या लिखा, पी बराबर वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओमेगा टी कट जाएगा और यहां पर ये टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, तो हमने इसको क्या लिखना है, पी बराबर वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या रहेगा आपके पास में। तो औसत शक्ति की जब हम बात करेंगे P एवरेज, तो ये जो नियतांक है, जैसे ये नियतांक है ये नियतांक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा बाय टू इंटू कॉस फाइव माइनस। अब आप क्या करिएगा, यहां पर देखिए ये समय का फंक्शन है, मतलब इसके मान में परिवर्तन होगा, तो हम इसको क्या करेंगे औसत मान में, इसका औसत मान कितना होता है वो लिखेंगे। तो हम यहां पे ऐसा लगा देते हैं ये चिन्ह, किसका, इसका औसत कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका औसत निकाल लेते हैं। तो एक पूरे चक्र में इसका औसत कितना होगा शून्य, और आगे बढ़िएगा यहां पर लिखिएगा चूंकि एक पूरे एसी के चक्र में एवरेज कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर शून्य, और अगर ये शून्य हो गया तो अब आपके पास में बच क्या रहा है, टी बराबर वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव, ठीक है। इतना आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव, तो इसको आप लिखिएगा वी आर एम एस, इसको आप लिखिएगा आई आर एम एस, और ये हो जाएगा कॉस फाइव। तो यहां पर
ये वाला जो मान है, ये जो कॉस फाई गुणांक है, ये क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक। ठीक है, यहां पर लिखेगा इसको शक्ति गुणांक। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? विशेष परिस्थितियों में अब तो सबसे पहला अगर हम ले लेते हैं पूर्ण प्रतिरोधक परिपथ में पाई का मान कितना होता है? बीच कालांतर शून्य होता है। अब इस स्थिति में अगर कालांतर शून्य हो गया तो जो शक्ति गुणांक है, इस शक्ति गुणांक का मान कितना होगा बेटा? कॉस पाई बराबर एक। कॉस जीरो का मान वन होता है। yes, तो उस स्थिति में जो औसत शक्ति होगी वो अधिकतम व्यय होगी और वो कितनी आएगी? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, इसके बाद दूसरा आप ले लीजिए पूर्ण प्रेरकत्व। परिपथ में यहां पर इसका मान क्या होगा? पाई बाय टू। तो उस स्थिति में जो शक्ति गुणांक आएगा, उस शक्ति गुणांक का मान कितना होगा बेटा? बोलो भाई। कॉस पाई इज जीरो, क्योंकि कॉस 90 का मान शून्य होता है। और जब शक्ति गुणांक शून्य है तो उसमें औसत व्यय शक्ति कितनी होगी? शून्य। ठीक है, मतलब प्रेरकत्व में किसी भी तरह की शक्ति का क्षय नहीं होता है। ठीक है, औसत शक्ति शून्य है। अब हम आगे बात करते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देखिए पूर्ण धारितीय या संधारित्र परिपथ में कितना होता है बेटा? फाई पर। फाई का मान कितना आएगा? पाई बाय टू। अब इसका शक्ति गुणांक देख लीजिए, शक्ति गुणांक कॉस फाई कितना आएगा बेटा? फिर से शून्य, क्योंकि कॉस फाई बाय टू, कॉस 90 शून्य। और चूंकि यहां पर औसत शक्ति में शक्ति गुणांक गुणा में है, तो अगर ये शून्य होता है तो ये पूरा शून्य बन जाएगा। तो कुल मिला के औसत शक्ति एक बार फिर से शून्य मिलने वाली है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं तीसरे के बाद चौथा नंबर परिपथ देखिए, एलसीआर परिपथ में। ठीक है, श्रेणी एलसीआर परिपथ में स्थिति आप क्या ले लीजिए? जब XL बराबर XC है। श्रेणी परिपथ में इस स्थिति में क्या होता है? जब प्रेरकत्व तो प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में श्रेणी LCR परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होती है और वह जो परिपथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिघात का मान, Z का मान किसके बराबर होता है? R के बराबर, प्रतिरोध के बराबर। क्योंकि अभी आपने Z क्या लिखा था? Z को आपने लिखा था अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर, ये लिखा था ना। तो अब यहां पर ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में शून्य हो जाएगा और ये बचेगा आर स्क्वेयर, तो रूट से स्क्वेयर कट जाएगा। तो जो प्रतिबाधा है Z, ये किसके बराबर आएगा? प्रतिरोध के बराबर आएगा। और उस स्थिति में जो धारा है वो अपने अधिकतम मान पर बह रही होगी। ठीक है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अनुनाद। तो अनुनाद की स्थिति में अब देख लीजिए एक बार फिर से, वो जो परिपथ है इस स्थिति में, ये जो परिपथ है किसकी तरह कार्य करेगा? पूर्ण प्रतिरोध वाले स्थिति में काम करेगा।
और पूर्ण प्रतिरोध वाली स्थिति में जो लगाए गए वोल्टता के बीच में वो कितना होता है, फाई बराबर शून्य। देख लीजिए भाई, पूर्ण प्रतिरोध परिपथ है, इसमें फाई का मान शून्य है क्योंकि दोनों कला संबद्ध होते हैं, मतलब धारा और लगाई गई वोल्टता प्रत्यावर्ती दोनों ही समय के साथ एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी आपको जो प्रतीक बाधा है ये R के बराबर मिल रहा है, मतलब प्रतिरोध के बराबर मिल रहा है, मतलब उस स्थिति में I और V दोनों ही कलांतर शून्य होगा दोनों के मध्य, और इस स्थिति में जो औसत शक्ति आएगी वो औसत शक्ति एक बार फिर से आपको इसी केस के बराबर मिलेगी, कितनी मिलेगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, एक कॉस पाई बराबर एक। ठीक है, तो ये हमारी कुछ विशेष परिस्थितियां थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां पर आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटे आर, और ये जो मान दिया है वो वी आर एम एस का है, ये रख दिया, आर का मान 100 दिया है, दो जीरो कट गए, दो एम्पियर आ गया, ये जो दो एम्पियर है यही उत्तर होगा इसका आर एम एस मान, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शिखर मान दिया है, क्लियर बोल रहा है कि वोल्टता का शिखर मान, शिखर मान का मतलब कितना, 300 वोल्ट, और पूछ क्या रहा है आपसे, आर एम एस मान पूछ रहा है ना, आर एम एस वोल्टता, तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है बेटा, वी नॉट बटे रूट टू, 300 बटे रूट 2 लीजिएगा वोल्ट पहला, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आइएगा तो आर एम एस दिया है बेटा 10 एम्पियर, तो वो बोल रहा है कि धारा का शिखर मान बताइए, ये बोल रहा है ना, तो शिखर मान क्या होता है, रूट टू इंटू आई आर एम एस रूट टू, ये भी चेक कर लीजिए, आर एम एस मान क्या होता है, वी आर एम एस बटे एक्स, प्रेरकत्व तो है तो उसका प्रेरकत्व तो प्रतिघात कितना होता है, एक्सएल, और ये एक्सएल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल होगा ना, इसको आप लिखेंगे वी आर एम एस बटे ओमेगा इंटू एल। फिर आगे चलते हैं तो वी आर एम एस का मान देखिए कितना दिया, 220, और ये ओमेगा को आप क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ इंटू एल, एल कितना दिया है, 44 मिली, मिली को आप हेनरी में बदलेंगे -3। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो 2 इंटू एफ, एफ कितना है, 50 हर्ट्ज, तो ये देखिए 50 × 2 = 100 पाई, पाई का मान 3.14, 100 का गुणा होगा 314। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरे लिख देता हूँ, 220 × 2 × 3.14 × 50 × अभी ये इसको ऊपर भेज दो तो ये 10³, और फिर ये 44, तो इसको आप कट कर सकते हैं 2 से या 11 से कट कर लो, तो 11 × 2 = 22 जीरो, 11 × 6 = 44, फिर ये 4 × 5 = 20, सही है, यस सर, ये कितना बन गया बेटा, 314, तो 5 × 314 × 5000 कर दो इसको, यस सर, तो 5000 15.9 एम्पीयर।